हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं दी 2022 मारुति सियाज के बारे में। आज जो हम इसका वेरिएंट देखने वाले, ये इसका डेल्टा वेरिएंट है, जिब इसके ऊपर आता है और ये सबसे किफायती और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो आप खरीद सकते हैं। अंडर 10 लाख अगर आपको एक सेडान चाहिए और वो सब 4 मीटर ना हो तो आप मारुति सियाज की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। एक तो आपको मतलब जो 10 लाख के अराउंड आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, पर अगर आप इसे देखते हैं तो आपको बढ़िया ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। और देख रहे कितनी बड़ी आपको यहाँ पे गाड़ी मिली है, 4.5 मीटर इसकी आपको लेंथ आती है, 2650 mm इसकी आपको यहाँ पे व्हील बेस आता है। तो अगर आप मतलब आपका सिटी में ही मेन चलना है और आपको काफ़ी प्रीमियम गाड़ी चाहिए तो आप मारुति से तरफ मतलब मारुति की ये सियाज आप ज़रूर देख सकते हैं। क्योंकि अगर बात करूँ इस वेरिएंट की तो ये है इसका डेल्टा वेरिएंट जो बेस के एक ऊपर ही आता है, पर वैसे आप देखने जाए तो एक बेस के ऊपर एक ही वेरियंट आने के बावजूद भी आपको कितने प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आप अगर आप इनकी ब्रेज़ा देखने जाए तो वो उतना ज़्यादा सेंस बनाती नहीं, मतलब उसका वो VXI मॉडल आ जाता है मतलब 10 लाख के अराउंड, तो उसमें से कंपेयर करते तो इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स आते हैं। ये डेल्टा वेरिएंट है तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइस से, तो 9.63 लाख इसकी आपको यहाँ पे एक शोरूम प्राइस मिलती है, जो अराउंड मुंबई में मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं 11.15 या मतलब 11,17,000 ऑन रोड प्राइस इसकी आपको मुंबई में पड़ेगी मैनुअल। इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है, इसमें 4 वेरियंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फ़ा, और ये बेस के एक ऊपर डेल्टा वेरियंट है और यही सबसे ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो अगर फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो की कुछ आपको ऐसी मिलती है, नॉर्मल सी की है, कोई कीलेस एंट्री आपको इसमें नहीं मिलेगी, और लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं। तो वही है मतलब कि नॉर्मल है थोड़ी सी, थोड़ी और एक अच्छी प्रीमियम होती तो और मज़ा आता। बीच में आपको ऐसी मारुति की छोटी सी मतलब एक ग्रिल मिलती है ग्लॉस ब्लैक फिनिश की, ये इसको 2018 में जाके फेसलिफ्ट मिला था, अब तक वही सेम है, मतलब उतना ज़्यादा इसमें चेंजेस आए नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे और इसी वेरिएंट से आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं, हैलोजन बेस्ड है, मतलब ये लो बीम हाई बीम के लिए ये दिए गए, और नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स दिए गए हैं। कोई LED की यूनिट इसमें नहीं आती पर ठीक है, हैलोजन भी काम चलता है। यहाँ पे आपको क्रोम की लाइन दी गई है जो काफ़ी खूबसूरत दिखती है, इसका जो प्रीमियम क्वोशेंट है इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कोई नहीं कह सकता है कि ये बेस का एक ऊपर ही वाला ही वेरिएंट है, क्योंकि अगर साइड प्रोफाइल में देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसके एलॉय व्हील्स, और मतलब इसके नीचे व्हील कैप्स आते हैं पर इसमें डायरेक्ट आपको एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और उसकी डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए डिज़ाइन आपको यहाँ पे 15 इंचेस की दिए गए हैं पर ये एलॉय व्हील्स है, यहाँ पे देखिए एलॉय व्हील्स 25/65 R15 R15 इंचेस के आपके यहाँ पे व्हील्स है पर एलॉयज है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। अगर बात करते हैं इसकी इंटीरियर्स की तो पहले अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पूरा बीज कलर का आपको यहाँ पे इंटीरियर देगा, विच मेक्स इट लुक वेरी वेरी प्रीमियम। और यहाँ पे देखिए अभी बता दीजिए क्रूज कंट्रोल भी डेल्टा वेरिएंट से आता है। ORVMs की अगर बात करें ना तो ORVMs आप फोल्ड नहीं कर सकते बटन से, मतलब वो मैनुअली होंगी, पर आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ज़रूर कर सकते हैं। और इसकी इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे इसके मतलब मिरर्स पे ही मिलते हैं, ना कि फेंडर्स पे। अब बात आते हैं पीछे, इसकी लेंथ आपको काफ़ी बड़ी मिलती है, मतलब बड़ी बड़ी सी दिखती है ये, और सब 10 लाख होने का फ़ायदा यही है कि मतलब थोड़ा टैक्स भी सेव हो जाता है, मतलब वो TCS। अगर बात करते हैं रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको यहाँ पे रियर प्रोफाइल है, कोई LED एलिमेंट्स आपको नहीं मिलते, एक बार मैं जला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके जो टेल लैंप्स है कुछ आपको ऐसे मिलते हैं, कोई LED एलिमेंट नहीं है, अंदर देखिए बल्ब है, और स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिलती है, और ये सियाज की बैजिंग वेरियंट की बैजिंग कुछ नहीं आती। पीछे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और इसके रिफ्लेक्टर्स। अभी स्मार्ट हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो इसकी इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इंजन इसका है 1.5 लीटर सेम एज अर्टिगा, मतलब अर्टिगा में आई गेस नया है, तो ब्रेजा वही वाला है, 105 PS और 138 Nm। तो ऐसा कुछ इसकी इंजन फिगर्स है। माइलेज इसकी 20 की मारुति क्लेम करता है, आराम से आप 16-17 सिटी में निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके डिफॉगर्स हैं, वैसे सेडान में वाइपर्स आते नहीं हैं। और इसका बूट देखते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, वो अनलॉक नहीं है गाड़ी, तो यहाँ पे देखिए 510 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। तो देखिए इसमें बूट साइज़ में भी आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है, मतलब कितना डीप स्पेस।
और आप अपना कहीं सा मतलब बहुत सारा सामान इसमें पैक करके लेके जा सकते हैं। तो यही एक सेडान का फ़ायदा होता है, जहाँ पे आपको बूट स्पेस भी मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। स्पेयर व्हील अभी ये नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है, 15 इंचेस का ही है विदाउट एलॉय। तो बूट स्पेस सबसे बढ़िया सेडान में मिल जाता है। अब इसके फीचर्स के बारे में चेक कर लेते हैं, क्या फ़ीचर्स आपको आगे मिलते हैं। स्पेस के बारे में अगर बात करें तो स्पेस आपको भर भर के मिलता है, कंफर्टेबली आप इसमें बैठते हैं। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, मतलब मेरी उतनी हाइट तो नहीं है पर ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए कितना ये है, और इसे भी ये लोग VXI कहते हैं। यहाँ पे देखिए VXI, यहाँ पे मतलब इनमें वो डेल्टा कहते हैं पर नॉर्मल फैक्ट्री में इसे VXI सेम है, बेस से ऊपर VXI बोलते हैं मारुति। पीछे आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, 12V चार्जिंग सॉकेट है। अब देखिए थोड़े फीचर्स कम लगेंगे क्योंकि इसकी जो कंपटीशन है वर्ना और सिटी वो हाई प्रीमियम पे आते हैं और उसके प्राइस भी थोड़े है। अगर मारुति से थोड़ा हाई प्राइस पे जाके लॉन्च करे और इसमें सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक वो सब दे तो और भी मज़ा आ जाएगा। एडजस्टेबल हेडरेस आपको नहीं मिलते इसमें, पर आर्मरेस्ट आपको ज़रूर दिया गया विथ 2 कप होल्डर। अभी ये थोड़ा फंस गया है। ग्रैब हैंडल्स है और ये पे देखिए वुडन फिनिश दी गई है, वुडन फिनिश इसे फेक है पर ठीक है, अच्छी लगती है। ये पावर विंडो का स्विच, स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स आते हैं, मतलब 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स, वैसे 6 स्पीकर का म्यूज़िक सिस्टम हो जाता है। और क्या चाहिए इसमें, हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी दिए गए हैं दोनों साइड पे। और ऐसा कुछ दिखता है इसके इंटीरियर अगर बात करते हैं पीछे से तो। डोर पे और एक बात, यहाँ पे कुछ लेदराइट फिनिश भी दी गई है विथ बॉटल होल्डर्स विच इज़ प्रीमियम। अब चलते हैं आगे और आगे ड्राइवर सीट पे देखते हैं क्या फीचर्स है इसमें। तो ड्राइवर सीट देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसी वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल रही है। यहाँ पे देखिए ये मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ये ऑटो ऑन ऑफ मतलब सिग्नल के वो मतलब सिग्नल पे ये बंद चालू होती है पेट्रोल सेव करने के लिए। ऑल 4 पावर विंडो के स्विच, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, ये चाइल्ड लॉक, और यहाँ पे देखिए सिर्फ एडजस्टमेंट है, फोल्ड का बटन मिसिंग है इसमें से। बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीरियर है जो काफ़ी इम्प्रेस करता है अभी भी, मतलब जो एक डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकने का यही एक राज, मतलब एक कह सकते हैं आप इतना क्यों बिकता है ये, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीमियम ने कितने भर भर के दे दिए इन लोगों ने। ऐसी गाड़ी तो मैं डेफिनेटली अगर मुझे मिलती है चांस तो मैं सियाली लूँ, अगर मारुति का ही चॉइस हो मेरे पास और ये 10 लाख रुपये का प्राइस ब्रैकेट है तो ये बंद हो जाए। तो ऐसे कुछ आपको इसका इंटीरियर मिल रहा है, काफ़ी प्रीमियम प्रीमियम सा इसका इंटीरियर है। यहाँ पे देखिए फुल वुडन फिनिश, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम आपको इंटीग्रेटेड दिया जाता है, ऊपर के वेरिएंट्स में स्क्रीन आती है, इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन आपको यहाँ पे दिया गया है, और ये एक प्रीमियम फिनिश। यहाँ पे देखिए इसे टच करूँ तो यहाँ पे 12V का चार्जिंग सॉकेट, USB और ऑक्स, 2 कप होल्डर्स, एक वायरलेस चार्जर होता तो और मज़ा आता, पर वो ऊपर के वेरियंट्स में भी आपको नहीं मिलता। ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, ओनली वन चॉइस विथ एन ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर, 4 स्पीड वाला। इसमें अभी भी ओल्ड वाला आता है, जैसे कि XL6 में 6 स्पीड का आ गया, वैसे इसमें 4 स्पीड का ही अभी तक मिलता है। ये इसकी हैंड ब्रेक, ये इसका आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, ग्लव बॉक्स, बीच कलर के इंटीरियर है, थोड़ा गंदा हो सकता है तो उतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इसकी ग्लव बॉक्स, मतलब स्पेस ठीक ठाक है, कोई इल्यूमिनेशन या AC मतलब कूलिंग भी नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका जो स्टेयरिंग व्हील का कॉलम है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टेयरिंग व्हील पे आपको क्रूज़ कंट्रोल में मिलता है, बेस की एक ऊपर है क्रूज़ कंट्रोल, कौन देता है, मारुति देती है। तो यहाँ पे देखिए क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, इसका कंट्रोल करने के लिए स्विच अभी मैंने बंद कर दिया है, यहाँ पे देखिए म्यूट, हाँ। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे CD प्लेयर के साथ आता है, ये CD प्लेयर नहीं, बंद कर दिया इन लोगों ने लगता है, हाँ CD प्लेयर अभी लिखा है इधर पर, CD क्या पता अभी उतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं। ऐसे कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, क्या बढ़िया दिखता है। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कलर की लाइन कितनी अच्छी दिखती है, ये टैकोमीटर, ये स्पीडोमीटर, बीच में एक कलरफुल MID। इसे चेंज करने के लिए भी अभी भी यही मतलब जॉयस्टिक दी है, ये अगर चेंज होता तो मज़ा आता है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील लेदर रैपिंग के साथ नहीं है, डीकट नहीं है पर ठीक है। और ये इसके कॉल काटिया उठाने के लिए, ये इसके मोड्स, और ये नॉर्मल वाइपर, नॉर्मल हेडलैम्प्स, कोई ऑटोमेटिक का फीचर इसमें नहीं आता। ऊपर के सनवाइजर पे यहाँ पे एक टिकट होल्डर है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका डे नाइट वाला IRM, ऑटोमेटिक नहीं है। ये इसके हैलोजन कैबिन लाइट्स, और यहाँ पे इसका माइक नहीं है। और लेफ्ट साइड के सनवाइजर पे एक आपको यहाँ पे मिरर
विदाउट लाइट मिलता है, मतलब ऊपर की ओर आगे लाइट मिलता है, पर इसमें विदाउट लाइट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑल इन ऑल 9.63 लाख एक्स शोरूम के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मतलब जो प्रीमियमनेस आपको ये प्रोवाइड करती है वो मारुति की किसी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपको एक सेडान लवर है, आपको सेडान ज़्यादा पसंद है और आपको वो एक होंडा सिटी या वरना तक का बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते और पेट्रोल में ही मतलब आपको एक चॉइस है, तो ये आप ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी पसंद आएगी। बिल्ड क्वालिटी अभी ठीक है, मतलब उतना उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि क्रैश टेस्टेड भी नहीं है, पर अगर मारुति की लाइनअप में देखा जाए ना तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है और मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बहुत जन नहीं करते। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।